मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम बरखेड़ी खुर्द में रहने वाले मुख्तार अहमद फॉरेस्ट विभाग में कर्मचारी हैं। सोमवार रात उनकी ड्यूटी गुलमदर फॉरेस्ट बैरियर में ड्यूटी थी। उनके साथ फॉरेस्ट गार्ड रवि मेहरा भी तैनात थे। रात करीब 10:30 बजे दोनों रोड किनारे कुर्सी पर बैठकर अलाव ताप रहे थे। इसी बीच साक्षी ढाबा की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों करीब 5 फीट दूर हवा में उछल कर गिरे। इसके बाद कार सीधे दीवार से जाकर टकरा गई। मुख्तार के बाएं पैर दाहिनी हाथ सिर में चोट आई है, जबकि रवि को कमर सिर में चोट लगी है। रातिभर थाना प्रभारी सुधेश तिवारी ने बताया कि चुनाभट्टी निवासी कार चालक स्वप्निल को गिरफ्तार किया गया है। वह मुंबई से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि नशे की वजह से हादसा हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और लगातार दौरे कर संगठन की बैठक ले रहे हैं। हाल ही में वह विंध्य के दौरे पर थे, वहां उन्होंने चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश की। वहीं अब कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर जाने वाले हैं। कांग्रेस की नज़र ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की सफलता दोहराने पर है। कमलनाथ 23 फरवरी को भिंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भिंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ भिंड और इसके आसपास के जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे। इंदौर की कंपनी में सीए सुमित जैन अब वैराग्य के मार्ग पर चल दिए हैं। रविवार को उन्होंने दमोह जिले की कुंडलपुर में दीक्षा ली। वह अब शुल्लुक मंथन इंदौर की कंपनी में सीए सुमित जैन अब वैराग्य के मार्ग पर चल दिए हैं। रविवार को उन्होंने दमोह जिले की कुंडलपुर में दीक्षा ली। वह अब शुल्लुक मंथन सागर महाराज कहलाएंगे। उन्होंने सीए की पढ़ाई के बाद इंदौर में ही नौकरी शुरू की थी। उनका सालाना पैकेज 10 लाख रुपए से ज्यादा था। रायसेन में मजदूर की 13 साल की बेटी ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। बेटी कक्षा 6वीं में पढ़ती है। पिता मजदूरी से 200 रुपए रोज कमाकर परिवार का पालन करते हैं। बेटी को उन्होंने जो संस्कार दिए उसकी तारीफ हो रही है। बेटी को जब 7 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग मिला तो उसका ईमान नहीं डगमगाया। उसने पिता के साथ थाने पहुंचकर यह बैग लौटा दिया। लोगों ने भी बिटिया का सम्मान किया। अब तक आपने शादी में कई रीति रिवाज देखे और सुने होंगे, लेकिन यह शायद ही देखा हो कि समधी महिलाओं के कपड़े और श्रृंगार में जमकर डांस करते हैं। समध ने बेटी की विदाई से पहले दूल्हे के पिता को साड़ी पहनाती है। दूल्हे के पिता के साथ ही उन सभी लोगों को ऐसा करना पड़ता है जो समधी होते हैं। इस दौरान महिलाएं गालियां देते हुए गीत भी गाती हैं। उज्जैन में बीकॉम की छात्रा के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का मामला आया है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन ने युवती के परिजनों के साथ जीवाजीगंज थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। युवती का आरोप है कि घर के पास में ही रहने वाले लड़के ने पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और सोमवार को घर के बाहर हाथ पकड़कर जबरन शादी का दबाव बनाया। इसके बाद लड़की ने परिवार वालों को बुलाया और आरोपी लड़के को पकड़कर थाने ले आए। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।